हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट की थी मॉडर्न हिस्ट्री, आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थ्री। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट और सेकेंड थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या पढ़ा था। तो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था आईएनसी के बारे में। आईएनसी कब बनी थी? आईएनसी बनी थी 1885 के अंदर। ये हमने पढ़ा था आईएनसी कब बनी थी, 1885 के अंदर। उसके बाद हमने उसके प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। अच्छा, आईएनसी के फाउंडर कौन थे? ये थे ए ओ ह्यूम इसके फाउंडर थे। उसके बाद हमने पढ़ा था इनके प्रेसिडेंट के बारे में, आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे। तो सबसे पहले इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो वो थे जॉर्ज यूले। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट वुमेन एनी बसंत। उसके बाद हमने पढ़ा था वॉइसरॉय ट्रिक के साथ, जितने भी वॉइसरॉय थे 1899 से लेके 1947 तक, ये सभी हमने ट्रिक के साथ पढ़े थे। हमारी ट्रिक थी सी माय हिस्ट्री क्रू लिव्स इन वेस्टर्न मूवमेंट। और उसके साथ कोड भी था एक, वो था पैंट पैंट 555740। ये आप वीडियो फर्स्ट में देख सकते हैं, उसमें आपको ये जितने भी वॉइस रहे हैं वो आपको याद हो जाएंगे ट्रिक के साथ। उसके बाद हमने पार्ट सेकंड में क्या पढ़ा था? सेकंड में हमने स्टार्ट किया था लॉर्ड कर्जन से, इनका कार्यकाल रहा था 1899 से लेके 1905 तक, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट था। किसके कार्यकाल के टाइम हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम। एग्जैक्ट डेट इसकी थी 16 अक्टूबर 1905। उसके बाद हमने पढ़ा था 1906 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता के अंदर, और इसमें सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। स्वराज की मांग किन्होंने की थी? तो ये की थी दादा भाई नरोजी जी ने। दादा भाई नरोजी जी ने स्वराज की मांग की थी सबसे पहले कलकत्ता सेशन के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन बना था कि दादा भाई नरोजी ने आईएनसी के कितने सेशन हेड किए थे? तो तीन सेशन इन्होंने हेड किए थे 1886 के अंदर, उसके बाद 1893 के अंदर और 1906 के अंदर। 1893 की मैंने दो आपको इम्पोर्टेंट बात बताई थी। फर्स्ट था कि फर्स्ट कंट्री जिन्होंने वुमेन को वोटिंग पावर दी थी वो थी न्यूजीलैंड, और सेकेंड इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने स्पीच दी थी शिकागो के अंदर, यूएस के अंदर स्पीच दी थी, और स्टार्ट की थी स्पीच ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर से। और 1893 में ही क्या हुआ था, जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, आए कब थे? ये आए थे महात्मा गांधी 1915 को ये वापिस आए थे, तब एनआरआई डे प्रवासी भारतीय दिवस जो बनाया गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था 1906 के अंदर और क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इसके फाउंडर कौन थे? आगा खां और सलीम उल्ला खां। थर्ड पर्सन भी थे मुस्लिम उल मुल्क, और इसके जो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के वो थे मुश्ताक हुसैन, और ये बनी थी ढाका के अंदर।
ढाका के अंदर जो बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। उसके बाद हमने पढ़ा था 1907, 1907 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था वो हुआ था सूरत के अंदर। आईएनसी का सेशन हुआ था सूरत के अंदर। ट्रिक क्या थी याद करने का, सात से आपको सूरत याद रखना है, सात से सूरत। इसमें क्या हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसमें आईएनसी जो बनी थी वो डिवाइड हो गई थी, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई थी, दो पार्ट बन गए थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता कौन थे, नरम दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, महात्मा गांधी, एम एन रानाडे। और गरम दल के नेता कौन थे, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और औरोबिंदो घोष। तो ये हमने पढ़ा था 1907 के अंदर। उसके बाद 1908 में क्या हुआ था, मुजफ्फरनगर बॉम्ब केस। ये क्या था, दो पर्सन थे प्रफुल्ला चाकी और खुद्दीराम बोस। इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो जज थे, यहाँ के जज का नाम था किंग्स फोर्ड, उनके ऊपर बम फेंकने की कोशिश की थी, वो गलती से किसी और तांगे के ऊपर जा गिरा। तो उससे क्या हुआ था, इनमें उसके बाद जो प्रफुल्ला चाकी था उन्होंने सुसाइड कर लिया, और सेकंड थे उनको फांसी की सजा हो गई थी। तो ये पढ़ा था हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री और स्टार्ट करेंगे 1909 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट ईयर आता है 1909, 1909, इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, या फिर इसे हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार भी इसे कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। इसमें जो मार्ले था ये था सेक्रेटरी, और मिंटो हैं वो हैं वॉइसरॉय। इसमें क्या हुआ था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुसलमानों के लिए अलग वोटिंग पावर दे दी गई थी, मुसलमानों को अलग से वोटिंग पावर, कि वो अपना अलग से जो प्रतिनिधि चुन सकते हैं, ये इस एक्ट के थ्रू इन्हें दे दिया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात करें तो भारत के जो विभाजन की नियम है वो इसी अधिनियम से रखी गई थी, भारत के विभाजन की नींव इसी अधिनियम में रखी गई थी। अच्छा, इस जो ये रिफॉर्म आया है इसका एक सेकंड नेम और भी था, गोवेट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो 1909 में हमें बस इतना ही याद करना है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, इसमें एक रिफॉर्म आया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें मार्ले पर्सन था वो था सेक्रेटरी और मिंटो ये था वॉइसरॉय, जो हमने ट्रिक से याद किया है। तो आपको याद रखना है कि 1909 में वॉइसरॉय कौन होंगे, तो हमने ट्रिक की थी उससे आपको 1947 तक के सभी वॉइसरॉय याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो मुसलमानों को अलग से वोटिंग पावर दे दी गई थी, कि वो अपना अलग से प्रतिनिधि चुन सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें हमने क्या पढ़ा कि भारत के विभाजन की नींव इसी अधिनियम से रखी गई थी। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था कि इसका जो सेकेंड नेम है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंगे के बारे में। लॉर्ड हार्डिंगे, इनका जो कार्यकाल था वो था 1910 से लेके 1920
15 तक। इनके कार्यकाल के टाइम जो भी कुछ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो 1909 के बाद 1910 है जो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। हम स्टार्ट करेंगे 1911 से। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालो 1911। 1911 में जो भी इम्पोर्टेंट बात हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इस टाइम ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड इसमें क्या हुआ था कि 12 दिसंबर 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में जो क्या हुआ था, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। और 1911 में ही क्या हुआ था, 1911 में कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी। सॉरी, शिफ्ट नहीं, इसमें बात हुई थी सिर्फ कैपिटल शिफ्ट करने के लिए। कैपिटल जो इंडिया की है, कैपिटल ऑफ इंडिया, ये शिफ्ट कर दी गई थी कलकत्ता से दिल्ली। इसमें सिर्फ बात हुई थी 1911 के अंदर, और ये शिफ्ट हुई थी 1912 में। ये आपको याद रखना है, 1911 में सिर्फ बात हुई थी शिफ्ट करने के लिए, और ये शिफ्ट हुई थी 1912 के अंदर। और इसका जो फोर्थ नेक्स्ट बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो वो है इसमें जो बंगाल का विभाजन था वो रद्द कर दिया गया था 1911 के अंदर ही। बंगाल का विभाजन जो रद्द कर दिया गया था। तो 1911 में हमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट क्या था, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। सेकंड हमने पॉइंट पढ़ा कि 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था, और 1911 में ही कैपिटल की शिफ्ट करने की बात हुई थी। कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली। और 1911 में जो बंगाल का विभाजन वो रद्द कर दिया गया था, और बंगाल का विभाजन हुआ कब था, 1905, 16 अक्टूबर 1905। अच्छा, ये किसके टाइम हुआ था, उस टाइम लॉर्ड कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम। और रद्द कब हुआ, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट 1911 की एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो है कि 1911 में कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता सेशन में जो हमारा नेशनल एंथम था वो गाया गया था 1911 के अंदर। कहाँ पे, जो कलकत्ता सेशन हुआ था वहां पे गाया गया था। अच्छा, ये कंपोज किसने किया था, तो ये कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ जी टैगोर ने ये कंपोज किया था। अच्छा, इसका गाने का टाइम कितना होता है, तो ये होता है 52 सेकेंड। और इसका जो शॉर्टेस्ट वर्जन की बात करें तो ये होता है 20 सेकेंड। और 1905 के टाइम जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान है वो कंपोज किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार
सोनार बांग्लो। 1905 में ये भी कंपोज किया था रविंद्र नाथ टैगोर जी ने। अच्छा, ये जो 1911 में फर्स्ट गाया गया था, ये गाया गया था बंगाली भाषा में। इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो थी बंगाली। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जनगण मन कब अडॉप्ट हुआ था। जनगण मन वाज अडॉप्टेड इन, तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ये भी इम्पोर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ था। कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में। तो 1911 में हमें इतना याद रखना है, फर्स्ट क्या था कि 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, और 1911 में ही ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इसके अलावा 1911 में जो कैपिटल शिफ्ट होने की बात हुई थी कलकत्ता से दिल्ली, और 1912 में ये शिफ्ट हो चुकी थी। और 1911 में और इम्पोर्टेंट क्या था कि बंगाल का विभाजन है वो रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा 1911 में कलकत्ता सेशन के अंदर जो नेशनल एंथम गाई गई थी, और ये कंपोज की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये गाई जाती है 52 सेकंड में, और कम से कम समय की बात करें तो ये 20 सेकंड में गाई जाती है। इसके अलावा 1905 में बंगाल की भी जो राष्ट्रगान है वो कंपोज किया था रविंद्रनाथ जी टैगोर ने, क्या था? अमार सोनार बंगलो। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जनगण मन वो कब अडॉप्ट किया गया है, तो ये 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया है हिंदी लैंग्वेज में, और गाया गया था तब ये ओरिजिनल लैंग्वेज थी इसकी बंगाली। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1912 के बारे में। तो नेक्स्ट 1912 में हमें बस दो ही पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो गई थी कलकत्ता से दिल्ली, फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना है। और सेकंड है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि 23 दिसंबर 1912 में जो लॉर्ड थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके ऊपर बम फेंका गया था, में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। इसमें ये बच गए थे। तो दो ही पॉइंट याद रखना हमें 1912 के अंदर, फर्स्ट था कैपिटल शिफ्ट हो गई थी कलकत्ता से दिल्ली, और सेकंड है 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1913। 1913 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1913 के अंदर एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था गदर पार्टी, और इसके मेंबर की बात करें तो मेंबर इसके थे लाला हरदयाल जी, लाला हरदयाल। सेकंड नंबर पे हैं सोहन सिंह पकना, थर्ड पे थे टीके दास, फोर्थ पे थे काशीराम। तो लाला हरदयाल जी ये थे इसके सेक्रेटरी, सोहन सिंह पखना थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट गदर पार्टी के। इसके अलावा टीके दास भी इसमें शामिल थे, और भी काफी मेंबर शामिल थे, ये इम्पोर्टेंट है इतने सारे जो भी लिखाए हैं मैंने। और काशीराम ये थे खजानची। तो
1913 में हमें इतना ही याद रखना है, पार्टी बनी थी गदर पार्टी, लाला हरदयाल सिंह इसके थे सेक्रेटरी, सोन सिंह पखना इसके थे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, टीके दास भी इसमें शामिल थे और लास्ट थे काशीराम। तो ये थे खजांची। तो आज की वीडियो में जितना भी किया है वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम। आज की वीडियो हमने ईयर कवर किए हैं 1909 से। 1909 के बाद हमने किया था 1910, नहीं किया था 1911, उसके बाद 1912, उसके बाद 1913। 1909 में क्या था, रिफॉर्म आया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, या फिर अदर नेम इसका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो मुस्लिम के लिए अलग वोटिंग पावर दे दी गई थी, उनको अलग प्रतिनिधि चुनने का हक मिल गया था। और उसके बाद 1911 हमने पढ़ा, 1911 के अंदर क्या हुआ था, 1911 के अंदर फर्स्ट तो था जो कैपिटल शिफ्ट होने की बात हुई थी कलकत्ता से दिल्ली, और 1911 में बंगाल का विभाजन है रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा भी हमने पढ़ा है कि 1911 के अंदर जो कलकत्ता सेशन के अंदर नेशनल एंथम गाया गया था और ये कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और गाया जाता है ये 52 सेकेंड के अंदर, और शॉर्टेस्ट इसका वर्जन है वो है 20 सेकेंड। इसके अलावा भी जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ जी टैगोर जी द्वारा कंपोज किया गया है 1905 के अंदर। और ये जो हमारा नेशनल जो एंथम था ये था ओरिजिनल बंगाली भाषा में, और ये हिंदी भाषा में अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 के अंदर। इसके अलावा हमने पढ़ा था 1912 में, तो 1912 के अंदर क्या हुआ था, जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो गई थी, सेकंड था कि 23 दिसंबर 1912 के अंदर जो लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर बम फेंका गया था। उसके बाद हमने पढ़ा 1913, तो 13 के अंदर एक पार्टी बनी थी गदर पार्टी, जिसके सेक्रेटरी थे लाला हरदयाल, सोन सिंह पकड़ा इसके थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो आज की वीडियो में हमने इतना कुछ डिस्कस किया है, कल हम स्टार्ट करेंगे 1914 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे जो बेल आइकन को जरूर दबाएं, और यहाँ पे ऑल जो बटन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।